ये टैंकर तो अभी पहुंचे, इससे पहले हालात क्या हैं लखनऊ के वो भी हम आपको दिखाते हैं। डाला मार डाला, दो तीन घंटे से मैं खड़ी रही हूं, नहीं लिया तो इन्होंने नहीं लिया, यहाँ से अप्रोच लगा लो वहाँ लगा लो। मैम आपको यहाँ भी कितना समय हो गया है? यहाँ पर एम्बुलेंस वाले भैया लगातार CPR भी कर रहे थे, हम देख रहे थे, तो यहाँ पे किसकी गलती है? यहाँ के डॉक्टरों की गलती है, यहाँ सुने नहीं रहे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं, अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं। अस्पताल में लापरवाही की हदों ने मार डाला, संवेदनहीनता ने मार डाला, उत्तर प्रदेश के बजबजा रहे मेडिकल सिस्टम ने मार डाला। इस महिला की चीखें उत्तर प्रदेश के गूंगे बहरे मेडिकल सिस्टम तक पहुंच पाती तो शायद हुक्मरानों के कानों के पर्दे फट जाते, लेकिन सिस्टम के कानों में तेल पड़ा हुआ, चीखें बेअसर। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अस्पताल का मंजर है, जहां 61 साल के मरीज निर्मल की मौत हो गई। उनकी पत्नी बिलख रही हैं, आरोप लगा रही हैं कि उनके पति को डॉक्टरों की लापरवाही ने मारा। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं, इन्होंने मार डाला, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। इससे पहले गुरुवार को लखनऊ में इस महिला के पति का वीडियो वायरल हो गया था, आज तक ने भी इस पूरे मामले को कवर किया था। गुरुवार को निर्मल को एक एम्बुलेंस में लेकर परिजन अस्पताल आए थे, लेकिन ऑक्सीजन न होने की बात कहकर उन्हें भर्ती नहीं किया गया। निर्मल की पत्नी और बेटी की चीखें अस्पताल के परिसर में सुनाई दे रही थी। मरीज को लेकर सबसे पहले परिजन कोविड कमांड सेंटर पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद परिजन उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, लेकिन वहां भी भर्ती नहीं किया गया क्योंकि उनके पास CMO का रेफरल लेटर नहीं था। मरीज का ऑक्सीजन लेवल 20% तक पहुंच गया था, हालात बिगड़ते जा रहे थे। ऑक्सीजन इसका 20% है, 3% नहीं लिया जा रहा है, SpO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है, फिर क्यों यहाँ के कमांड सेंटर क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना, क्या जान दे दे, ऑक्सीजन की काली चल रही है। एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर खड़ी रही, परिजन चीखते रहे, कोसते रहे उस घड़ी को जिसमें वो निर्मल को लेकर अस्पताल आए थे। घंटों इंतजार के बाद 61 साल के निर्मल ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि एम्बुलेंस सही वक्त पर अस्पताल पहुंच चुकी थी। यहाँ पर मैम 108 की जो एम्बुलेंस कर्मी है, क्या उनकी कोई गलती है? कोई गलती नहीं, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, इतनी मेरी हेल्प करी, उन्होंने गाड़ी में उनका हार्ट पंच किया, ऑक्सीजन की तरह उन्होंने पूरा काम किया, हार्ट बीट चलने लगी, पूरा हार्ट चलने लगा, सब कुछ चला, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना, यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना। यूपी की राजधानी लखनऊ में अस्पतालों में कहीं बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही है। रो रहा मेरी बहन है, भाई है, सब रो रहा है, अब गरीब भाई। बताइए बताइए क्या हुआ, क्या बताइए? मेरे बहन एडमिट है, टेम्पो पे ला दे, पुलिस वाले लाठी चला रहे, जो सोर्स वाला उससे कह रहे आओ यहाँ, सोर्स वाली सारी गाड़ी है हमारी, हम 11 बजे से लाइन में लगे सर। साहब कुछ करिए ऐसा कि जिंदगी बच जाए, या फिर खत्म कर दिया जहर का इंजेक्शन, जो हमारी माता है बहने जितने एडमिट है उनका इंजेक्शन दिलवा दीजिए, मर जाए, हम लोग का पैसा तो ना खर्चा हो, जो सिलेंडर के लिए 50,000 हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो 1,00,000 रुपया 50,000 रुपया डेली मांग रहे हैं कि 50,000 लोग कहाँ से आप लाऊं, गरीब आदमी, हम लोग रिक्शा चलाते ठेला चलाते, आप एक बार देख लीजिए वहाँ, यहाँ से वहाँ तक सब गरीब आदमी बेचारा धूम से करते हैं। देखिए ऑक्सीजन किस तरह खून के आंसू रुला रहा है। इनके परिजन घरों में क्वारंटीन है और ये ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर पहुंचे हैं, सैकड़ों लोगों की लाइन लगी है,
लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की कमी बताकर पल्ला झाड़ा जा रहा है। सिलेंडर मिलने के इंतजार में भूखे प्यासे लोग आंसुओं में डूब रहे हैं। साहब हम लोग को जहर पिलवा दीजिए साहब, हम लोग बहुत गरीब आदमी है साहब, हम लोग को यहाँ पर मरवा दिए पूरे प्रशासन से साहब, और इससे कहीं ना कहीं कुछ नहीं है, कल से लाइन लगे भूखे प्यासे पड़े, पैसा भी जेब में नहीं। आरोप ये भी है कि जिन लोगों की ऊंची पहुंच है उन्हें तो सिलेंडर मिल जा रहा है, लेकिन जिनका कोई परिचय नहीं वो भूखे प्यासे लाइनों में लगे हैं। वहाँ देख लीजिए उस बिल्डिंग से लेके सब बेचारे रो रहे हैं, वहाँ सिलेंडर लिए धूप में कल से परेशान है साहब। या एक बार ये तो मीडिया को दिखाइए, मोदी जी हमारे बैठे वो कहते ठीक है, योगी जी बैठे ठीक है, अब क्या ठीक है, कम से कम प्रशासन गरीबों को तो ख्याल करे, गरीबों को कोई ख्याल करने वाला सरकार नहीं है, ऐसा करो साहब इंजेक्शन लगवा लो बोले मर जाए। लखनऊ में एक अदद ऑक्सीजन का इंतजाम भी अब मरीजों के परिजनों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। सवाल ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं की इस बदहाली का जिम्मेदार आखिर कौन है? प्रशासन पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दी जा रही है, बीच में रोक दिया जाता है, और जो लोग अपनी व्यवस्था से ऊपरी तौर पर यहाँ पर किसी तरीके से जुगाड़ करके आते हैं उनको यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जा रही है। साफ है कि इस कोरोना काल में ना सिर्फ बेड, ना सीएमओ की रिकमेंडेशन, और अब ऑक्सीजन के लिए भटकते लोगों के आगे सिवाय फरियाद करने और आंसू बहाने के कोई और चारा नजर नहीं आ रहा। लखनऊ से कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।